Hello friends, very good morning. मैं अतुल कुमार LN Biology क्लासेस से मैं आपके लिए एक रिसेंट वीडियो लेके आया हूँ जो NCERT की अपडेट हुई है 2020 में उसकी तो मैं बिना बात गवाए एक्चुअली बहुत कंटेंट्स है तो इस पे बात करेंगे. तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 11th वाले पोर्शन को जो अपडेटेड पार्ट है और प्रीवियस कंटेंट है दोनों में करेंगे. तो सबसे पहले तो आप देखो कि ये आपकी प्रीवियस कंटेंट है और ये अपडेटेड है जो अब आई हुई है 2020 में जो आई हुई अपडेट हुई है जो ऐड करी गई है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ. तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों के लिए और ये मे भी हो सकता है कि 2 से 3 पार्ट में होगी. तो बिल्कुल एकदम ध्यान से आप लोग जो है देखिए और इसको अच्छे तरीके से समझिए. बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है. चलो सबसे पहले मैं पहला चैप्टर की बात करता हूँ 11th का, जो क्या है, द लिविंग वर्ल्ड. द लिविंग वर्ल्ड में किसी तरह का चेंजिंग नहीं है, इसका मतलब है कि इसमें कोई करेक्शन नहीं हुई है, कोई चीज़ ऐड नहीं करी गई है. दूसरी चैप्टर अपने पास आती है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस. तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर में क्या क्या चेंजिंग है, जो पहला चेंजिंग पहला पॉइंट आप यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं तो ये फंगल सेल वॉल प्रेजेंट होता है. पंचाय में सेल वॉल प्रेजेंट होता है लेकिन लिखा यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि विदाउट सेलुलोज. लेकिन मेंशन क्या करे हैं यहाँ पे जो मैं बात करता हूँ, ये वाली जो बात करता हूँ, इसका मतलब है कि ये सारे के सारे चीज़ जो फंगल सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, समझ रहे हैं, फंगल सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं विदाउट सेलुलोज विद काइटिन. ये काइटिन वाली वर्ड जो ऐड करे हैं. फिर चलो मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि दूसरा यूग्लिना और पैरामीशियम का डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है जो प्रीवियस NCERT है आप में, लेकिन इसको क्या करें हैं यहाँ पे, इसके अलावा जो है दो और जो है जो प्रोटिस्टा के मेंबर हैं उनके डायग्राम को ऐड कर दिए गए हैं. तो हो सकता है मे बी लेबलिंग से आपके क्वेश्चन आए कि वहाँ पे दिखा दे और 4 ऑप्शन दे दे, उसमें से सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा जो है इसमें से प्रोटिस्टा है. तो इसमें देखिए ऐड किसको करा है, तो एक तो हमारे पास है डायनोफ्लेजलेट्स और दूसरा क्या है स्लैम वॉल्ट्स, और इसके अलावा जो है ये दोनों के दोनों ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है. अब कंडीशन क्या है कि इस पॉइंट में देखते हैं कि व्हेन योर ब्रीड डेवलप मोल्ड और योर ऑरेंज रॉट, इट इज ऑफ फंचाई. किसके वजह से हो रहा है ये, यदि आपके ब्रीड पे मोल्ड जो फंचाई है वो डेवलप होता है या आपकी फ्रूट जो है फ्रूट में ऑरेंज इन्होंने डिनोट किया है पहले वाली NCERT में, वो जो सरते हैं किसके वजह से जी, फंचाई के वजह से सरते हैं. अब कंडीशन क्या है कि यहाँ पे न्यू जो अपडेटेड NCERT है उन्होंने क्या करी कि ब्रीड की जगह पे क्या लिया भैया, मॉइस्ट ब्रीड, ठीक है ना, और ऑरेंज के जगह पे यहाँ पे रॉटेन फ्रूट कर दिया है, ठीक है ना. जो ये जो होती हैं मतलब कि मॉइस्ट ब्रीड जो ख़राब होती है उस पर जो मोल्ड डेवलप होता है, जो आपकी फ्रूट सड़ते हैं किसके वजह से, फंजाई की वजह से. तो ये बात समझ में आ रही है. अब कंडीशन है आगे की तरफ बात करेंगे क्या कि ये जो दिया हुआ है RH विटकर, मतलब कि जो अपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस की बात कर रहे हैं तो आप जानते हो कि 2 किंगडम सिस्टम आया, ठीक है ना, फिर जो है 3 किंगडम सिस्टम आया. 3 किंगडम सिस्टम के कंडीशन में आप तो 2 किंगडम के बारे में जानते हो, कैरल्स लीनियस अरिस्टोटल भी दिए वहाँ पर. तो यहाँ पे 3 किंगडम के कंडीशन में क्या बात करते हैं कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हैकल. 4 किंगडम के कंडीशन में क्या था जिसका नाम था कॉपलैंड. और 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो दिया किसने, RH विटकर 1969 में. ये कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे तो RH विटकर ने क्या किया कि ये तो पाँच किंगडम में पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किए. उसके बाद जो बचे हुए हैं जो 5 किंगडम में इंक्लूड नहीं करे वो कौन कौन सा है भाई, 5 किंगडम में कौन कौन सा किंगडम है आप जानते हो,
मोनेरा प्रोटिस्टा प्लांटी फंजाई एनिमेलिया। पांच, उसमें किसको नहीं एड ऑन करे हुए हैं। बाहर से हम पांच किंगडम के अलावा पढ़ते हैं तो एक तो हमारा क्या है जी वायरस, दूसरा बायरोइड्स, तीसरा लाइकेन। तो ये तीनों का तीनों चीज़ें मेंशन करी हुई आपकी जो 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 प्रीवियस वाले हैं उसमें, लेकिन जब जो रिसेंट वाले हैं जो मतलब अपडेटेड एनसीईआरटी है उसमें किनको ऐड करे हैं, ऐड करने के लिए उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे प्रियॉन्स को उन्होंने ऐड किया, ठीक है ना। इसका मतलब है कि क्या क्या होना चाहिए, चारों चीज़ें होना चाहिए, लाइकेन होना चाहिए, वायरस होना चाहिए, बायरोइड्स होना चाहिए और प्रियॉन्स भी होना चाहिए। और प्रियॉन्स को इतने पे ही नहीं छोड़े, उन्होंने क्या किए कि प्रियॉन्स को आगे की तरफ मतलब कि क्या किए उसमें बहुत सारे उसके कैरेक्टर को जो है इन्होंने बताया। तो क्या कंडीशन है आप जानते हो कि यहाँ पे मैंने कुछ कुछ बातें जो लिखा है कि वायरस के कंडीशन में क्या होता है भाई, डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है एज ए जेनेटिक मटेरियल, और उसकी जो कवरिंग होती है वो किसका होता है, प्रोटीन का कोट जो होता है कैप्सिड इसको बोलते हैं। लेकिन बायरोइड्स के कंडीशन में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल के रूप में किसको यूज़ करते हैं, आरएनए को। अब क्या कंडीशन है कि जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे तो प्रियॉन्स में कुछ भी नहीं होता है, मतलब कि उसके अंदर ना तो डीएनए होता है ना आरएनए होता है। इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कैप्सिड होता है जो प्रोटीन की कोट बनी होती है। अब इसमें प्रियॉन्स के कंडीशन में यहाँ पे आपका जो है कुछ पॉइंट को एड ऑन करे हैं एनसीईआरटी वालों ने, न्यू एनसीईआरटी वालों ने, वो कौन सा है। आगे की तरफ हम बढ़ते चलेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स को इन्होंने ऐड करे। तो चलिए यहाँ पे प्रियॉन्स के लिए मैंने बात किया कि प्रियॉन्स है क्या क्या हो सकता है। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होगा इसके पास, सिमिलर साइज होगा किसका, वायरस का, और ये बोबीन स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफेलोपैथिस जिसको बोलते क्या BSE, और कहा जाता है इसको कॉल्ड मेड कॉ डिजीज। इसको क्या बोलते हैं जी, मेड कॉ डिजीज। किसके कंडीशन में, तो कैटल के कंडीशन में। एंड इट्स एनालॉग्स वेरिएंट्स, इसकी मतलब है कि कैटल में तो ये हो गया मेड कॉ डिजीज जिसको आपने क्या कर दिया BSE, दैट मींस कि बोबीन स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफेलोपैथी। अब कंडीशन है कि इसकी वेरिएंट फॉर्म जो एनालॉगी फॉर्म है किसके कंडीशन में, ह्यूमन के कंडीशन में, जिसका नाम है क्या भाई, CGD, मतलब कि CR जैकॉब डिजीज इसमें हो गया, ठीक है। तो मतलब ये सारे के सारे पॉइंट तो हमने देखे। अब कंडीशन क्या है कि जैसे हम दूसरे पेज की तरफ मूव करेंगे तो दूसरा पेज में हमारा किया आ गया, और इस पेज को हमें देखना है थोड़ा सा एलिबरेट फॉर्म में देखना है। अब कंडीशन क्या है कि चलिए यहाँ पे हमें करना क्या है कि इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हमने देखा क्या कि जो चीज़ें दिया हुआ है हम लोगों ने देखा कि लिविंग वर्ल्ड में किसी तरह का मतलब कि चेंजिंग नहीं है तो क्रॉस लगा दिया है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कंडीशन में क्या है कि जितने भी बात हमने RH विटकर के बारे में बात करी, क्लासिफिकेशन में क्या क्या वायरस बायरोइड्स और प्रियॉन्स को ऐड नहीं किया गया फाइव किंगडम में, उसके लिए बात किया। अब कंडीशन है कि यहाँ पे सारे के सारे बात हो गई, किसमें क्या जेनेटिक मटेरियल होगा ये भी सारे के सारे बात हो गई। अब कंडीशन है कि यहाँ पे हमें बात करना होगा कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एनिसोगैमस और आइसोगैमस के कंडीशन में, जो रिप्रोडक्शन लॉर ऑर्गेनिज्म में जो है रिप्रोडक्शन का टाइप है, मतलब कि सिमिलर टाइप का। यहाँ पे देखो कि दिस गैमिट फ्लेजलेटेड सिमिलर इन साइज, ठीक है ना, किसके कंडीशन में, क्लेमाइडोमोनास के कंडीशन में। जो कैसा होगा जी, नॉन फ्लेजलेटेड होगा तो कैसा होगा, नॉन मोटाइल होगा। तो ये किसके लिए, अब कंडीशन क्या है कि जैसे ही हम बात करेंगे यहाँ पे सिमिलर साइज का हो गया तो क्लेमाइडोमोनास, और यहीं पे हम नॉन फ्लेजलेटेड और नॉन मोटाइल की बात करते हैं और सिमिलर साइज है तो ये किसके लिए है, एस्पायर वगैरह के लिए। लेकिन यहीं पे जैसे हम बात करते हैं कि जो नॉन फ्लेजलेटेड और नॉन मोटाइल होता है वो किसके लिए होगा, एस्पायर वगैरह के लिए। लेकिन जैसे हम बात करेंगे किसका, तो यहाँ पे जैसे ही हम बात करेंगे
ऊपर वाली जो कंडीशन है, जो क्लेमाइडोमोनास आप देख रहे हो यहाँ पे, क्लेमाइडोमोनास यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं इसको प्लेन कर देता हूँ, दिखाई दे रहा है अब तो दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो दिख रहा है कि दिस गैमिट कैन बी फ्लैजलेटेड, दैट मीन्स मोटाइल होगा, सिमिलर साइज का होगा, तो उसमें आपका एग्जाम्पल क्या दिया है, क्लेमाइडोमोनास। लेकिन यहाँ पे आपका कंडीशन क्या है, यहाँ पे जो एग्जाम्पल में दिया है येलो थ्रिक्स, ये बात समझ में आ गई। अब इसी को नीचे नीचे हम लोगों ने क्या किया है, उसको एरो करके आगे की तरफ लिया है, सच रिप्रोडक्शन इज आइसोगैमस, जो सिमिलर टाइप के गैमीट का फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ, अब फिर दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ है, फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलर गैमीट और डिसिमिलर इन साइज का होगा, तो उसके लिए आपने एग्जाम्पल में क्या लिया, क्लेमाइडोमोनास, जो जिसको क्या कह दिया, एन आइसोगैमस। और यहाँ पे हम उसी में जो इसकी जगह पे क्लेमाइडोमोनास की जगह पे आपका एग्जाम्पल क्या लिया है, यूरोरिन, ठीक है ना, इसको एकदम बिल्कुल वाकई दिमाग में रखना है। अब हम चलते हैं कहाँ पे, प्लांट किंगडम, जो तीसरी हमारी चैप्टर है प्लांट किंगडम के कंडीशन में, तो वहाँ पे प्लांट के कंडीशन में जानते हैं कि प्लांट की हम ग्रुपिंग करें तो जानते हैं कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, पांच ग्रुप, जिसमें से हम बात करें तो लगभग हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात करते हैं कि उसमें कॉटिलीडन होते हैं, मतलब कि उसमें दाने होते हैं, उसमें सीड होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे डायकॉट की बात करते हैं तो डायमेंस तो होता है कॉटिलीडन, मतलब कोटोन, मतलब कि सीड। तो यहाँ पे इसकी यदि हम बात करेंगे तो क्या क्या बात करेंगे भाई, एक तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा लीफ मैं बनाता हूँ, इसमें जो है वेनेशन की बात करते हैं, तो ये नेटवर्क लाइक वेनेशन हो जाएगा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा जी, रेटिकुलेट वेनेशन हो गया। और इसमें टेट्रामेरस और पेंटामेरस की बात करी गई है, इसका मतलब है कि टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर की बात करा गया, तो इसमें जो भी फ्लोरल अपेंडेजेस होगा, कैलिक्स, कोरला, एंडोसियम, गायनोसियम, ये चार और पाँच के मल्टीपल में होगा, उसी जगह पे हमें बात करना होगा क्या, मोनोकॉट के कंडीशन में। तो एक हम छोटा सा क्या करते हैं, एक लीफ लेता हूँ, इसमें वेनेशन की बात करता हूँ, तो पैरेलल वेनेशन होगा, जो कंडीशन क्या है कि ये आपका मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन की बात करती है, और इसका जो फ्लावर होता है वो ट्राइमेरस होता है, दैट मींस कि फ्लोरल अपेंडेजेस जो होगा, कैलिक्स, कोरला, एंडोसियम, गायनोसियम, ये थ्री के मल्टीपल में होंगे। अब कंडीशन है कि सीड बियरिंग प्लांट के बारे में जैसे बात करते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है ना, यहाँ पे अल्की और फिकस के कंडीशन में हम बात करते हैं कि इस टाइप के रिप्रोडक्शन, इस टाइप के पैटर्न, सीड बियरिंग पैटर्न जो है यहाँ पे होता है। सम वेरियंट दे हैव अ गैमेटोफेटिक फेज इज फ्यू टू मल्टी सेलुलर स्टेज, मतलब इस कंडीशन में जो इसका गैमेटोफाइट जो होता है फ्यू सेल से लेकर के मल्टी सेलुलर स्टेज का होता है। तो इतनी बातें तो समझ में आ गई आपको। अब कंडीशन क्या है कि जैसे हम बात करें तो आगे की तरफ जैसे बात करा जाएगा तो हम लोग आगे तो अब जो है हम यहाँ पे बात करेंगे क्या कि एनिमल किंगडम जो चौथा चैप्टर हमारी आएगी उसमें क्या आएगा एनिमल किंगडम के कंडीशन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा एनिमल किंगडम, यहाँ पे एनिमल किंगडम। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। एनिमल किंगडम में चलोगे तो वहाँ पे क्लासिफिकेशन से तो बहुत तरह की वहाँ पे क्लासिफिकेशन में बात करी गई है, जो एसिलोमेट, सीरोसिलोमेट, ठीक है ना, सिमेट्री की बात करी गई है, तो रेडियल सिमेट्री है, बायलेटरल सिमेट्री है और बायरेडियल सिमेट्री है, ठीक है ना। तो जो शुरू इनिशियली हम बात करते हैं तो दोनों ऑर्गेनिज्म के बारे में, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के बारे में, नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के बारे में बात करेंगे। जैसे हम नॉन कॉर्डेट की बात करते हैं तो वहाँ पे डिस्फाइलम देखने को मिलता है, उसमें से पहला हम बात करें तो जैसे ही बात करते हैं तो हम किसका पोरीफेरा की बात करते हैं। तो पोरीफेरा जो होता है आपकी उस जगह पे हमने बात किया
कि पोरीफेरा जैसे ही बात करेंगे तो पोरीफेरा के कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो एसिमेट्रिकल होगा, उसमें कोई सिमेट्रिसिटी नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब कि किसी एक फिक्स्ड प्लेन पे उसको हम सिमेट्री में उसको टुकड़ों में नहीं बांट सकते, बराबर टुकड़ों में। और उसका सिलोम जो उसका बॉडी कैविटी होता है कैसा, एसिलोमेट, किसके कंडीशन में, तो पोरीफेरा के कंडीशन में। लेकिन जैसे ही हम इकाइनोडर्माटा की बात करते हैं तो यहाँ पे बात करते हैं तो दोनों फॉर्म होते हैं इसमें, एक तो एडल्ट की कंडीशन में जो रेडियल सिमेट्री होता है और लार्वल स्टेज में जो होता है बायलैटरल सिमेट्री। इसको इसलिए मैं मेंशन करता हूँ, एक्चुअली यहाँ पे आपको मेंशन नहीं किया है, यहाँ पेज भी मेंशन मैंने कर दिया है कि 49 पेज में ये है, यहाँ पे मेंशन किया है कि एक्चुअली ये इकाइनोडर्माटा का एकदम करेक्टरिस्टिक फीचर्स है। कहा जाता है कि वहाँ पे तो एक वाटर वास्कुलर सिस्टम है, दूसरी बात है कि जो एडल्ट होता है उसमें सिंपलेस्ट जो है सिमेट्रिसिटी होती है, और जो लार्वल स्टेज होता है, जो बच्चा से पहले के स्टेज होता है लार्वल स्टेज, उसमें बायलैटरल सिमेट्री होता है। तो कंडीशन क्या है कि जैसे ही हम बात करते हैं इसका, तो एडल्ट में कैसा रेडियल सिमेट्री, और बच्चे में जो लार्वल स्टेज है, लार्वल स्टेज के कंडीशन में क्या होता है, इसमें बायलैटरल सिमेट्री होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आपको स्टिंगिंग कैप्सूल के बारे में, बात करते हैं किसकी, स्टिंगिंग कैप्सूल के बारे में बात करा जाए तो आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि स्टिंगिंग कैप्सूल के कंडीशन में हमें बात करनी है। तो स्टिंगिंग कैप्सूल जो यहाँ पे दिख रहा है कि इसमें जो स्टिंगिंग कैप्सूल के नाम जो दिए गए हैं उसका नाम क्या है जी, नेमेटोसाइट। लेकिन यहाँ पे इस नेम को चेंज कर दिया गया है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा, नेमेटोसिस्ट कर दिया गया है। यहाँ पे चलो एस्केरिस के कंडीशन 52 नंबर पेज पे चलो, मेल और फीमेल एस्केरिस क्या होता है, अलग अलग होते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेल जो होता है छोटा होता है और फीमेल कैसा होता है, बड़ा होता है। इसमें चेंजिंग किया गया है, ठीक है ना, इसको बोल्ड कर दिया गया है, ठीक है ना। इसको मैं डायग्राम के थ्रू दिखाता, मेरे पास जो है दोनों एनसीईआरटी की पेजेस हैं। तो एक तो कंडीशन है कि वहाँ पे चारों का चारों जो है आप ले सकते हैं, चारों का चारों, जैसे मान लो कि हमें पिछले पेज में जो आपने देखा कि एक जगह पे जो है हमें जिसमें इंक्लूड किया गया स्लाइम मोल्ड्स और क्रेसोफाइट्स को, वो भी डायग्राम आपके पास होगा। देखिए पुराने वाली एनसीईआरटी में जो है ये चीज़ें नहीं देखने को मिला है, पुरानी वाली एनसीईआरटी में आप ये नहीं देख सकते हो, पुरानी वाली एनसीईआरटी के कंडीशन में आप देखो तो दो ही चीज़ है नज़र आ रहे हैं, सॉरी ये देखो ये क्या है जी, युगलीना, और ये दूसरा क्या है जी, पैरामीशियम। बस दो ही डायग्राम दिया हो पुरानी वाली में, बट जैसे ही हम बात करेंगे, जैसे ही बात करें, जैसे बात करें न्यू वाली को, तो न्यू वाली में आप क्या दिखता है, आपको क्या दिखता है न्यू वाली के कंडीशन में, आपको दिखता है कि ये चार का चार जो है, चारों का चारों रखा हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए आप, दिख रहा है, दिख रहा है ये चारों चारों चीज़ें दिख रही है आपको, बिल्कुल दिखता होगा, बिल्कुल दिखता होगा। यहाँ पे देखिए, ये देखिए क्रेसोफाइट्स है, ये क्या है जी, युगलीना है, ये स्लैम मोल्ड्स है, ये पैरामीशियम है। ये चारों का चारों आपको यहाँ दिखा। अब कंडीशन क्या है कि हमें अपने पेज पे चलना पड़ेगा, जो पेज हमारी कंटिन्यू है उसकी मैं बात करता हूँ। तो अब जो है यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या है कि ये दोनों चीज़ें मैंने दिखाया आपको, ओल्ड एनसीईआरटी में जो 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 पहले पढ़ रहे थे उसकी, और रिसेंट जो अपडेटेड एनसीईआरटी है 2020 में उसकी, उसकी मैंने दोनों के कम से कम एक तो देखे। इसी तरह से बहुत सारे चेंजिंग है, जिस तरह से हमने कहा कि ये मेल और फीमेल एस्केरिस के कंडीशन में जो बात करते हैं कि इस दोनों के बोल्ड कर दिया गया, यहाँ पे क्या क्या चेंजिंग किया गया है। अब ब्लैनोग्लोसस और सेकोग्लोसस के बारे में बात करते हैं हेमिकोडाटा के कंडीशन में। तो इसकी बॉडी के तीन पार्ट्स होते हैं, तीन पार्ट यहाँ पे मेंशन नहीं किया, यहाँ पे मेंशन किया है। एक तो प्रोबोसिस होता है जो कॉलर रीजन में होता है, प्रोबोसिस होता है कॉलर होता है, दूसरा जो है ट्रंक होती है। जैसे हेमिकोडाटा के कंडीशन में जाएंगे तो यहाँ पे आप बात करते हो हेमिकोडाटा हैव रेडिमेंट्री, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, एकदम स्टार मार्क मारिएगा, रेडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है जिसको प्रेजेंट होता है कहाँ पे जी, कॉलर रीजन में, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिसको कहते क्या है, कॉल्ड एज एस्टोमोकॉड, उसको क्या बोलते हैं जी, एस्टोमोकॉड, उसको क्या बोलते हैं, एस्टोमोकॉड, ये बातें समझ में आ रही है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, एस्टोमोकॉड,
उसको क्या बोलते हैं, स्टोमोकॉर्ड। मैं देखो ये कलर कर दिया, इसको क्या कह सकते हैं, इट इज़ अ सिमिलर टू द नोटोकॉर्ड। इतने बात समझ में आया, जो कि यहाँ पे आपका नहीं दिया हुआ है, नहीं मेंशन किया है। अब चलते हैं थोड़ा सा प्लांट मॉर्फोलॉजी के कंडीशन में, जो मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशन की गई है उसके बारे में। थोड़ा सा मैं रिपीट चल रहा हूँ, एक्चुअली इट्स नॉट अ वीडियो, इट इज़ ओनली अपडेटेड पार्ट ऑफ द एनसीईआरटी। तो आपको कम से कम करना क्या पड़ेगा कि जो आपने पुराने एनसीईआरटी पहले से पढ़ रही है तो उस एनसीईआरटी को आप पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एड ऑन पार्ट है, जो ऐड करी हुई चीज़ों हैं, उस चीज़ों को मैं क्या कर रहा हूँ, आपको कहीं ना कहीं पुरानी और न्यू वाली दोनों एनसीईआरटी को रिफ्लेक्ट करके दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है, कहाँ कहाँ पे पुट आउट किया, कहाँ 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 पे जुड़ी गई है चीज़ें। तो आपको देख रहे हो कि ये जो दिखता होगा कि ये जुड़ा हुआ है, ऐड किया हुआ पॉइंट है, रुडिमेंट्री स्ट्रक्चर है, जिसको क्या बोलते हैं जी, स्टोमोकॉर्ड। वह किसके इक्विवेलेंट होता है, तो नोटोकॉर्ड के। अब यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के, मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस की बात करते हैं। तो पेशी फ्लोरा प्लांट है जिसमें टेंड्रिल, कंडीशन क्या है टेंड्रिल का, तो एक प्लांट है, मान लो कि ये प्लांट है, इसके कंडीशन में ऐसा 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 करके किसी के सपोर्ट से, मान लो कि कोई जो स्क्रीपर होते हैं, जो जो क्या करते रेंगने वाले होते हैं, जैसे मान लो कि कुकम्बर के फैमिली का खीरा ककड़ी ये सब जो है कद्दू, ये सब क्या करते हैं, ऊपर किसी के सपोर्ट से चढ़ते हैं। तो आप कहीं कहीं पे देखना कि वो जो है पतला पतला रस्सी टाइप जो है, रॉप लाइक स्ट्रक्चर जो है लंबा सा, क्या करते हैं कहीं किसी पेड़ किसी चीज़ से लिपट जाते हैं ताकि वो गिरे नहीं नीचे, फिसले नहीं। तो ये इसको क्या कह दिया जी, टेंड्रिल कह दिया। और उसी में जो है थॉर्न होते हैं, जो क्या करते हैं, कांटे होते हैं जो अलग जगह दूसरे प्लांट में, मतलब उसी के कंडीशन में, तो क्या करते हैं आपको एनिमल को ग्रेजिंग करने से रोकते हैं। अब एक्सिलरी बर्ड जो है मॉडिफाइड होकर के क्या बनाते हैं, एक्सिलरी स्टेम बनाते हैं। पेटल यूनाइट होता है, एक साथ होते हैं, तो उसको बोलते हैं गैमो पेटलर, गैमो मतलब फ्यूज। और जब पेटल फ्री होता है तो उसको बोलते हैं पोली पेटलस। पोली मीन्स क्या होता है, फ्यूज्ड, फ्री। पोली मीन्स क्या होता है, फ्री। तो गैमो मीन्स फ्यूज और पोली मीन्स क्या हो गया, फ्री। अब कंडीशन क्या है कि जैसे हम अपन बात करें कि यहाँ पे मतलब कि गायनोशियम की बात करते हैं, तो गायनोशियम कैसा होना चाहिए, बायकार्पेलरी सिनकार्पस, मतलब कि कार्पेल के नंबर कितना होगा, कार्पेल गायनोशियम की जो एक यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं, कार्पेल बोलते हैं। सिनकार्पस, सिन मतलब होता है फ्यूज, मतलब कि जो भी कार्पेल होगा उसका क्या होगा, फ्यूज होगा। और ओवरी क्या होगा, जितने भी पोलर अपेंडेजेस है उससे अपर पोजिशन पर होगा, तो उसे बोलते हैं सुपीरियर ओवरी। यहाँ पे जो कंडीशन है क्या करें हैं कि बायकार्पेलरी, यहाँ पे ऑब्लीगेटली, और समझ में आ रहा है, बायकार्पेलरी ऑब्लीगेटली प्लेस्ड, मतलब कि ऑब्लिकली प्लेस्ड होते हैं, समझ में आ रहा है, सीधे नहीं, इरेक्ट नहीं। यहाँ पे सिनकार्पस, वही वाली बात, सुपीरियर ओवरी, बिल्कुल वही वाली, लेकिन उसका उसके कंडीशन में बायलोकुलर पोजीशन होता है, जो उसका चैम्बर होगा उसमें क्या होगा जी, दो चैम्बर होगा, बायलोकुलर। और प्लेसेंटा जो होता है कैसा होता है, स्वेलन होते हैं, ठीक है ना, विथ अ मिनी ओव्यूल। ये किस तरह का प्लेसेंटेशन की बात करता है, एग्जाइल प्लेसेंटेशन की बात करते हैं। यहाँ पे एक दो नेम की मैंने चर्चा किया है, एलियम सेपा की ओनियन बोलते हैं और एलियम सटावा को क्या बोलते हैं, गार्लिक बोलते हैं। ये दोनों के दोनों बातें आपको दिमाग में रहनी चाहिए ऑलवेज। अब हमारे पास है क्या कि आगे जैसे ही अपन बढ़े तो ये आपको दिखाएंगे कि एक्चुअली यहाँ पे बात करते हैं, चलो आगे बढ़ें। रोटेशन की बात करते हैं,